हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 10 एमसीक्यूज क्वेश्चन, और वो भी चैप्टर ड्रग्स एक्टिंग ऑन सीएनएस से। और आज हम आपसे बात करेंगे एंटी पार्किंसन और एंटी अल्जाइमर ड्रग्स के बारे में। चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन है, हमें बताना है इन चारों स्टेटमेंट में से, ये जो चारों स्टेटमेंट है वो कौन से स्टेटमेंट सही हैं अगर हम बात करें एंटी पार्किंसन ड्रग लिवोडोपा के बारे में। तो चलिए एक एक करके हम चारों स्टेटमेंट की तरफ देखते हैं और देखते हैं एलिमिनेशन मेथड से कि कौन से स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो सबसे पहला आता है लिवोडोपा इज एन एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ डोपामीन। क्या ये बात सही है? नहीं, डोपामीन का वो क्या है, प्रिकर्सर है, प्रोड्रग है कह सकते हैं, वो इमीडिएट प्रिकर्सर है। डोपामीन का इमीडिएट प्रिकर्सर कौन है? लिवोडोपा। तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की ओर, तो है ऑप्टेन अबाउट 50% ऑफ एडमिनिस्टर्ड लिवोडोपा इज पेरिफेरली कन्वर्टेड टू डोपामीन। नहीं, ये भी गलत है। अबाउट 98% टू 99% क्या है, जो डोपामीन है वो लिवोडोपा है वो कन्वर्ट हो जाता है टू डोपामीन, ठीक है, पेरिफेरली। तो ये भी ऑप्शन हमारा रॉन्ग है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट की, अबाउट 1-2% ऑफ एडमिनिस्टर्ड लिवोडोपा क्रॉसेस ब्लड ब्रेन बैरियर। हाँ, ये सही है। ज्यादा से ज्यादा क्या है, वो डोपामीन में कन्वर्ट हो गए हैं, तो लेकिन जो बचे हुए 1-2% है वही क्रॉस कर पाते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिवोडोपा हैज नो रोल इन हिपेटिक कोमा। गलत। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ? ऑप्शन सी, कि ओनली 1-2% ऑफ एडमिनिस्टर्ड लिवोडोपा क्रॉसेस ब्लड ब्रेन बैरियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं लिवोडोपा के बारे में, जानते हैं कि लिवोडोपा कैसा है, क्या काम करता है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसा है, एक बार सारी चीजें जान लेते हैं और कौन से साइड पे कौन सा ड्रग काम करता है। चलिए, लिवोडोपा, लिवोडोपा सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमनली यूज ड्रग इन पार्किंसन है। ठीक है, लिवोडोपा क्या है, प्रो ड्रग है ऑफ डोपामीन। डोपामीन का क्या है, वो प्रो ड्रग विच क्रॉसेस द ब्लड ब्रेन बैरियर। अच्छा, तो अब हमने डोपामीन को डायरेक्टली क्यों नहीं दिया? अगर हमें डोपामीन चाहिए तो हमने पहले लिवोडोपा को क्यों दिया? इसका आंसर है, मान के चलिए ये ब्लड ब्रेन बैरियर है तो यहाँ पे लिवोडोपा है और डोपामीन है, तो ब्लड ब्रेन बैरियर को डोपामीन जो है वो क्रॉस नहीं कर सकता है और लिवोडोपा क्रॉस कर लेगा। लिवोडोपा क्रॉस करने के बाद खुद ही डोपामीन में कन्वर्ट हो जाता है, इसीलिए उसको क्या कहते हैं, प्रोड्रग ऑफ डोपामीन। डोपामीन डज नॉट क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर, हेंस इट्स इमीडिएट प्रिकर्सर लिवोडोपा इज यूज्ड। लिवोडोपा इज मेटाबोलाइज्ड। अब क्या है, लिवोडोपा क्या है, वो मेटाबोलाइज हो जाता है पेरिफेरली में भी और एज वेल एज इन ब्रेन। यहाँ पे भी लिवोडोपा है, यहाँ पे भी लिवोडोपा है, दोनों जगह पे लिवोडोपा जो है वो मेटाबोलाइज हो जाता है किसमें, डोपामीन में, विद द एंजाइम, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम डोपा डी कार्बोक्सिलेज। ठीक है, अब क्या है, इसकी वजह से हमने क्या किया, इस डोपामीन डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम, डोपा डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम को इनहिबिट कर दिया विद दी ड्रग कार्बिडोपा। इसलिए हम हमेशा लिवोडोपा के साथ कार्बिडोपा को कॉम्बिनेशन में देते हैं ताकि अगर वो मेटाबोलाइज ना हो पेरिफेरली, तो ज्यादा से ज्यादा लिवोडोपा पेरिफेरी में एज वेल एज ब्रेन में प्रेजेंट रहेगा, तो जिसकी वजह से वो ज्यादा से ज्यादा ब्रेन में कन्वर्ट हो पाएगा टू डोपामीन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और इसको एक बार एक डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, ये क्या है, लिवोडोपा, इसको एडमिनिस्टर किया गया पेरिफेरी में, लिवोडोपा डोपा डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम के प्रेजेंस में किसमें कन्वर्ट हुआ, टू डोपामीन। एक और चीज होती है, लिवोडोपा इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम कैटाकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज, दैट इज COMT, इसकी प्रेजेंस में भी कन्वर्ट हो जाता है टू 3-OMD, दैट इज 3-O-methyl-DOPA, इसमें भी कन्वर्ट हो जा रहा है। तो इन दोनों पाथवे में अगर जाएगा तो डोपामीन का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा, तो इन दोनों पाथवे को हमें
रोकना है और इसके लिए हमारे एंजाइम है, अगर हम डोपा डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम को इनहिबिट करें तो इसके लिए हमारे ड्रग है कार्बिडोपा, और अगर हमें ये एंजाइम को इनहिबिट करना है कॉम्प्ट COMT दैट इज कैटाकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम को इनहिबिट करना है तो उसका ड्रग है टॉलकेपॉन एंड एंटेकेपॉन। ठीक है, अब टॉलकेपॉन जो है वो और भी बहुत सारे जगह पे काम करता है ब्रेन में सेम एंजाइम को इनहिबिट करने के लिए, तो आइए देखते हैं वो ब्रेन में कैसे और किस पॉइंट पे इनहिबिट कर रहा है। चलिए, अब डोपामिन अगर हमने इन दोनों पॉइंट को इनहिबिट कर दिया तो ये क्या लिवोडोपा इनका कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गया। अब इसका कंसंट्रेशन इंक्रीज हुआ तो ये कहां पे ट्रांसफर हुआ, ये गया टू ब्लड ब्रेन बैरियर, यहाँ पे लिवोडोपा ज्यादा क्वांटिटी में आया। लिवोडोपा क्या है, यहाँ पे भी विद द हेल्प ऑफ एंजाइम कैटाकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज से वो कन्वर्ट हो जाएगा टू 3-O-methyldopa, तो इसको भी इनहिबिट कर देंगे हम ताकि यहाँ पे भी लिवोडोपा का कॉन्सेंट्रेशन हाई रहे। तो इसको इनहिबिट करने के लिए सेम एंजाइम टॉलकेपॉन यूज होगा। देन अब फर्दर क्या है, अब लिवोडोपा को हमें चाहिए डोपामीन के फॉर्म में, तो वो कौन सा एंजाइम काम करेगा, डोपा डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम, वो डोपामीन में कन्वर्ट कर देगा। फर्दर अगर हम देखें डोपामीन अब क्या है, दो पाथवे को फॉलो करता है जिसमें एक तरफ COMT जो है वो फॉर्म करेगा 3-MT मतलब 3-methoxytyramine और वो फर्दर माओ बी एंजाइम के प्रेजेंस में कन्वर्ट होगा टू होमोवेनिलिक एसिड, क्योंकि 3-MT जो है वो पॉइजनस है, टॉक्सिक है। दूसरी पाथवे में क्या होगा कि डोपामीन माओ बी के प्रेजेंस में कन्वर्ट होगा टू DOPAC दैट इज 3,4-dihydroxyphenyl एसिटिक एसिड, फर्दर वो COMT के प्रेजेंस में कन्वर्ट होगा टू होमोवेनिलिक एसिड। ठीक है, यहां पे भी इनहिबिट करेगा टॉलकेपॉन। तो अब क्या है कि हमें कैसे भी डोपामीन का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करना है और उसके लिए कुछ इनहिबिटरी ड्रग्स का जरूरत है हमें। तो ये हमारा पूरा प्रोसीजर था, किसका पूरा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन था कि कैसे कौन से ड्रग किस साइट पे काम करते हैं, और हमें इससे ये भी क्लियर हुआ कि लिवोडोपा जो है वो प्रिकर्सर है और एज अ प्रिकर्सर उसको देना क्यों जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैच द फॉलोइंग ड्रग्स टू इट्स क्लास, हमें लेफ्ट हैंड साइड पे ड्रग्स गिवन है और राइट हैंड साइड पे हमें उसके क्लासिफिकेशन गिवन है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये ड्रग्स में लिवोडोपा जो है वो क्या है। अभी मैंने बताया लिवोडोपा इज डोपामीन प्रिकर्सर, कार्बिडोपा क्या करता है, कार्बिडोपा क्या करेगा, पेरिफेरली डीकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर है। ठीक है, तो इससे क्या आया, हमारा ऑप्शन ए का आता है फोर्थ, बी का आता है थर्ड। अब आते हैं प्रोमेथासीन, प्रोमेथासीन क्या करेगा, वो एंटी हिस्टामिनिक एजेंट है एंड एमेंटाडीन क्या है, डोपामीन फैसिलिटेटर है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पार्किंसन एग्जैक्टली होता क्या है, उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो देखिए पार्किंसन क्या है, वो एक न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम है, ठीक है, जिसमें ट्रिमर्स आते हैं, मतलब ऐसे शेक हो रही है, हाइपोकाइनेसिया होती है, रिजिडिटी होती है, पोस्चरल इनस्टेबिलिटी होती है। चलिए ये कैरेक्टरिस्टिक जो है हम एक छोटी से निमोनिक से याद कर सकते हैं, ट्रैप, ट्रैप मतलब ट्रिमर, ट्रिमर का क्या मतलब होता है, शेक, शेक होना, कांपना, यूजुअली स्टार्टिंग ऑन वन साइड, यूजुअली एक साइड से ये स्टार्ट होता है। देन बात करते हैं रिजिडिटी में, स्टिफनेस ऑफ लिम्ब, नेक और ट्रंक। अकेशिया का क्या मतलब, लॉस और इंपेयरमेंट ऑफ पावर ऑफ वॉलेंट्री मूवमेंट, पी से क्या आता है, पोस्चर एंड बैलेंस। नेक्स्ट बात करते हैं इसके फिजियोलॉजी पे, तो एग्जैक्टली जो पार्किंसन होती है वो कहां से ओरिजिनेट होती है, उसकी मेजर पैथोलॉजी क्या है, तो मेजर पैथोलॉजी क्या है, मेजर पैथोलॉजी इज डीजनरेशन ऑफ डोपामर्जिक न्यूरॉन इन सब्सटेंशियल नाइग्रा पाथवे। ठीक है, सब्सटेंशियल नाइग्रा पाथवे में क्या होता है, डोपामीन का लेवल कम हो जाता है। ठीक है, अब
कम होना, ज्यादा होना, मतलब एक तरह से आप बोल सकते हैं कि डोपामीन और कोलिनर्जिक दोनों की, दोनों में इम्बैलेंस आने की वजह से क्या होता है, पार्किंसन कॉज होता है। आइए एक डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं कि अगर दोनों इक्वल, दोनों सफिशियंट क्वांटिटी में प्रेजेंट है, क्या डोपामीन और एसिटाइल कोलिन, तो ये है एक नॉर्मल स्टेट। तो नॉर्मली देयर इज अ बैलेंस बिटवीन डोपामीन एंड एसिटाइल कोलिन इन सब्सटेंशियल नाइग्रा पाथवे। अब बात करते हैं अगर पार्किंसन हुआ, तो डोपामीन जो है वो कम हो गया है, इसकी वजह से क्या है, एसिटाइल कोलीन ज्यादा है, ठीक है। तो ये अब बैलेंस नहीं है, एसिटाइल कोलीन ज्यादा होने की वजह से भारी है, वो नीचे है, एंड डोपामीन कम है, ठीक है, वेइंग बैलेंस में जैसा इसने शो किया है। बात करते हैं अब हमें, ये केस है पार्किंसन का। अब हम जब एंटी पार्किंसन ड्रग देंगे तो हम कोशिश करेंगे कि डोपामीन को इंक्रीज करें और एसिटाइल कोलीन की लेवल को डिक्रीज करें। तो हमारा एम क्या है, इंक्रीजिंग डोपामीन एक्टिविटी एंड डिक्रीजिंग कोलिनर्जिक एक्टिविटी। तो ये हमारा क्या है, एम है, ठीक है। बात करते हैं क्लासिफिकेशन की, कि कैसे इसका क्लास किया गया है, किसको, एंटी पार्किंसन ड्रग्स को। तो सबसे पहले आते हैं डोपामीन प्रिकर्सर। डोपामीन प्रिकर्सर जैसे हमने बात किया, लिवोडोपा, डोपामीन एगोनिस्ट में आते हैं ब्रोमोक्रिप्टिन, पर्गोलाइड। देन आते हैं डोपामीन फैसिलिटेटर, इसमें एमेंटाडीन आता है। पेरिफेरल डीकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर में आते हैं कार्बिडोपा। देन आता है माओ बी इनहिबिटर, जिसमें रेसरजलीन, सेलेजलीन आते हैं। देन बात करते हैं COMT इनहिबिटर, अभी मैंने बताया था टॉल कैपॉन, एंटाकैपॉन, तो अभी बताया था वो पेरिफेरली में कैसे काम करते हैं, ब्रेन में कैसे काम करते हैं। फिर आते हैं कौन से, एंटी हिस्टामिनिक, बेसिकली उसमें भी आएंगे H1 ब्लॉकर्स। देन सेंट्रल एंटी कोलिनर्जिक जो कि कोलिनर्जिक सिस्टम्स को डिक्रीज करेंगे। और बात करेंगे एंटी हिस्टामिनिक की, अभी मैंने आपको बताया था। तो ये क्या है, ये दोनों ड्रग्स जो है वो बेसिकली किसको अफेक्ट करेंगे, कोलिनर्जिक सिस्टम को अफेक्ट करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स शोज रिवर्स थेरेप्यूटिक इफेक्ट ऑफ लिवोडोपा बाय ब्लॉकिंग डोपामीन रिसेप्टर। अब डोपामीन रिसेप्टर पे आके डोपामीन लग रहा है, लेकिन इसको ब्लॉक करता है कौन सा ड्रग आके, तो ये है डायरेक्टली इसका आंसर है कौन सा, मेटाक्लोप्रोमाइड। मेटाक्लोप्रोमाइड क्या है, वो जाके ब्लॉक करता है डोपामीन रिसेप्टर्स को और उसका जो डोपामीन का फंक्शन है उसको रिवर्स कर देता है। आइए बात करते हैं बाकी, ये कौन कौन से और से ड्रग्स हैं जो कि इसके फंक्शंस को रिवर्स करेंगे, कौन से ऐसे ड्रग्स हैं जो इंटरैक्ट करते हैं और कैसे फंक्शन करते हैं। तो जैसे कि अब हम बात करें पाइरिडॉक्सिन की, तो ये क्या करते हैं, डोपामीन के काम को बंद कर देते हैं, खत्म कर देते हैं बाय इनहेंसिंग इट्स पेरिफेरल डीकार्बोक्सिलेशन। तो लिवोडोपा को डोपामीन में कन्वर्ट कर देंगे, क्यों, कैसे, क्योंकि वो जो डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम है उसकी एक्टिविटी को इंक्रीज कर देंगे, तो डोपामीन पेरिफेरी सारे कन्वर्ट हो जाएंगे, तो डोपामीन जो है वो ब्लड ब्रेन बैरियर से क्रॉस नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से पूरी फंक्शन बंद हो जाएगी। बात करते हैं यहाँ पे फिनोथायाजीन की, और ये मेटाक्लोप्रोमाइड जो हमारा क्वेश्चन था, ये क्या करता है, रिवर्स करता है थेरेप्यूटिक इफेक्ट ऑफ लिवोडोपा बाय ब्लॉकिंग डोपामीन, ये पूरे डोपामीन के रिसेप्टर्स को ही ब्लॉक कर देते हैं, रिसेप्टर्स को ब्लॉक करेंगे तो अल्टीमेटली उसका फंक्शन रिवर्स हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं नॉन सेलेक्टिव माओ इनहिबिटर्स की। तो नॉन सेलेक्टिव माओ इनहिबिटर्स क्या है, वो प्रिवेंट करते हैं डिग्रेडेशन ऑफ डोपामीन एंड नॉर एड्रेनलिन दैट इज सिंथेसाइज्ड इन एक्सेस फॉर्म फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लिवोडोपा एट द पेरिफेरल साइट। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, लिवोडोपा इज कंबाइंड विद कार्बिडोपा इन ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसन। अभी मैंने बताया कि कार्बिडोपा क्या कर रहा है, डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम को इनहिबिट कर रहा है, जिसकी वजह से डोपामीन जो है वो पेरिफेरली इंक्रीज हो रहा है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, पेरिफेरली इंक्रीज हो रहा है जिसकी वजह से वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर पा रहा है। तो अब देखते हैं, टू इंक्रीज डोज रिक्वायरमेंट ऑफ लिवोडोपा, नहीं, उल्टा वो डोज रिक्वायरमेंट ऑफ लिवोडोपा को कम करेगा। टू डिक्रीज अफेक्टिवनेस ऑफ लिवोडोपा, नहीं, टू डिक्रीज साइड इफेक्ट, बिल्कुल नहीं, टू मेक मोर लिवोडोपा अवेलेबल टू क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर, बिल्कुल सही। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट, अब ये सेम सिमिलरली वही लिखा है कि जितना ज्यादा लिवोडोपा जो है वो बनेगा उतना ज्यादा वो क्रॉस कर पाएगा, जितना ज्यादा वो बचेगा फ्रॉम मेटाबॉलिज्म उतना ज्यादा वो क्रॉस कर पाएगा, और जो डोपामीन है वो इटसेल्फ क्रॉस नहीं करता है किसको, ब्लड ब्रेन बैरियर को। चलिए बेनिफिट्स देखते हैं किसके, लिवोडोपा के, कि द प्लाज्मा टी हाफ ऑफ लिवोडोपा इज मोर प्रोलॉन्ग, सिस्टमेटिक कंसंट्रेशन ऑफ डोपामीन इज रिड्यूस्ड। अब आते हैं कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस आर रिड्यूस्ड अगर हम इसको डोपामीन और कार्बिडोपा को साथ में देते हैं तो, एंड पाइरेडॉक्सिन रिवर्सल ऑफ लिवोडोपा इफेक्ट डज नॉट अकर्स। देन बात करते हैं कॉम्बिनेशन कैसे देते हैं लिवोडोपा और कार्बिडोपा 4:1 रेशियो में, लिवोडोपा और बेंजेराइड्स का क्या 4:1 रेशियो। कभी कभी रेशियोज के फॉर्म में भी पूछ लेते हैं क्वेश्चंस, तो एक बार इसको याद रखिएगा कि दोनों ही कॉम्बिनेशंस में जो रेशियो है दैट इज 4:1 के रेशियो में, अगर 4 पार्ट लिवोडोपा है तो 1 पार्ट क्या है कार्बिडोपा। देन ये जो डायग्राम है वो सिमिलर डायग्राम है जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया था आपको, एक बार वापस वही डायग्राम है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सेंट्रली इनहिबिटर ऑफ डोपामीन मेटाबॉलिज्म इज, कौन से ड्रग्स जो है वो सेंट्रली इनहिबिट कर रहे थे, तो वो कौन सा था, डिप्रेनिल। ठीक है, तो अब इसका ऑप्शन बी ऑप्शन सही है। देन अब ये क्यों सही है, क्योंकि पहले हम बात करते हैं माओ बी इनहिबिटर्स की। माओ बी क्या है, इसी ड्रग को हम और क्या कहते हैं, सेलेजिलिन एंड प्रेसार्जिलिन। They selectively and irreversibly inhibit MAO B enzyme in the brain. They do not inhibit MAO in the periphery. Periphery में इसका कोई effect नहीं है। Selegiline और resargiline जो है वो periphery में कोई effect नहीं show करते हैं। They retard the metabolism of dopamine in brain and prevent the formation of toxic मेटाबोलाइट्स। जो दो मेटाबोलाइट्स फॉर्म हो रहे थे टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स उसको फॉर्म होने नहीं दे रहे हैं। रेसार्जिलिन इज 5 टाइम्स मोर पोटेंट लॉन्गर एक्टिंग देन सेलेजिलिन। एंड अब क्या है, जो ये सेफेनामाइड जो है वो न्यूअर एक्टिंग माओ बी इनहिबिटर्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अपना क्वेश्चन 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीवायरल ड्रग इज ऑल्सो यूजफुल इन पार्किंसन। तो ये हमारा थोड़ा ऑप्शंस थोड़ा गड़बड़ हो गया है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन ऑप्शन देखते हैं, एमेंटिडीन, प्रेसार्जिलिन, लिवोडोपा या टोलकैपोन। तो इसमें ऑप्शन क्या है, कौन सा एंटीवायरल है, इन सारे में से साफ दिख रहा है कि एंटीवायरल ड्रग्स हैं कौन से, एंटीवायरल ड्रग्स हैं एमेंटिडीन, बाकी सारे तो वायरस में यूज हो ही नहीं रहे। तो ये भी हमारा ऑप्शन जो है, ये भी हमारा क्वेश्चन एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व हो रहा है। देखिए कई सारे ऐसे MCQs हैं जो आपके एलिमिनेशन मेथड और नॉर्मल जनरल कॉमन सेंस से भी सॉल्व हो जाते हैं, तो आप एलिमिनेशन मेथड से भी अपने MCQs को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं डोपामीन फैसिलिटेटर, मतलब ड्रग कौन सा, एमेंटाडीन। ये क्या है, एंटीवायरल ड्रग है जो कि पार्किंसन में भी यूज होता है। इट एक्ट्स बाय प्रमोटिंग प्री सिनेप्टिक सिंथेसिस and release of dopamine in brain and hence antagonizes the action of NMDA type of glutamate receptors। ठीक है, अब क्या है, ये क्या है, प्रमोट करता है किसको, प्री सिनेप्टिक जो प्री सिनेप्टिक गैंग्लिया है, प्री सिनेप्टिक गैंग्लिया उसमें से नर्व एंडिंग में से ये डोपामीन को रिलीज को प्रमोट करता है एंड हेंस एंटागोनाइज करता है कौन से रिसेप्टर्स पे, NMDA रिसेप्टर्स पे। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट, कोऑर्डिनेटिव चेंज इन अल्जाइमर डिजीज। अब ये क्वेश्चन है अल्जाइमर डिजीज से, कैरेक्टराइजेशन बिगिंस विद मेमोरी इंपेयरमेंट, लैंग्वेज डिफेक्ट, विजुअल स्पार्शियल डिफेक्ट या एनी ऑफ द अवर्ब। तो आंसर है मेमोरी इंपेयरमेंट। सबसे पहले जो चेंज आता है वो मेमोरी में आता है, किस डिजीज में, अल्जाइमर डिजीज में। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ अल्जाइमर डिजीज के बारे में। इट इज मोस्ट प्रिवलेंट फॉर्म ऑफ डिमनीशिया। सबसे ज्यादा अगर भूलने की बीमारी क्या है इसमें होती है, किसमें, अल्जाइमर डिजीज में। डज नॉट हैव एनी प्रीवियस कॉज,
अब ऐसा नहीं है कि पहले से आपको कोई स्ट्रोक है, ब्रेन ट्यूमर है, या फिर अल्कोहल की टॉक्सिसिटी है, इसके वजह से हो रहा है। ये अल्जाइमर डिजीज किसी प्रीवियस कॉज के होने की वजह से नहीं होता है। अब सिम्टम्स क्या है अल्जाइमर डिजीज का? प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ मेमोरी एंड डिसऑर्डर्ड कॉग्निटिव फंक्शन विद लॉस ऑफ शॉर्ट टर्म मेमोरी दैट यूजुअली प्रोसीड्स लॉस ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी। क्या है? पहले तो शॉर्ट टर्म मेमोरी है और आगे चलते चलते लॉन्ग टर्म मेमोरी का भी लॉस हो जाता है। ऐसा क्या होता है कि जो पेशेंट्स जो हैं, जो अल्जाइमर डिजीज को फेस कर रहे हैं, उनमें क्या होता है, वो अपनी ही खुद की फैमिली को रिकॉग्नाइज करने से मना कर देते हैं, वो खुद की फैमिली तक को भूल जाते हैं। ठीक है, अब इनके साइंस क्या है? रिड्यूसेस वर्बल फ्लुएंसी, वो फ्लुएंटली बोल नहीं पाते हैं। उनमें क्या है, इंपेयरमेंट ऑफ स्पीच हो जाता है ड्यू टू फेलियर, क्योंकि अब माइंड में कॉग्निटिव फंक्शंस ही डिसऑर्डर हो रहे हैं, जिसके वजह से वो ठीक से बोल नहीं पा रहे हैं, उनकी वर्बल फ्लुएंसी नहीं है। अब अल्टीमेटली पेशेंट में फॉल टू अ वेजिटेटिव स्टेट। डेथ इज यूजुअली एसोसिएटेड विद द कॉम्प्लिकेशंस, अगर कॉम्प्लिकेशन है तब डेथ भी हो जाती है। अब क्या है इसमें, क्या है, लॉस ऑफ कॉलिनर्जिक एक्टिविटी इन ब्रेन विद Alzheimer disease leads to the loss of cholinergic inhibitor drug. अब क्या है, हमें क्या करना है, हम वैसे ड्रग्स देंगे जो कि ब्लॉक करेगा किसको, डिग्रेडेशन ऑफ कोलिनर्जिक एंजाइम को। कोलिनर्जिक अगर न्यूरोट्रांसमीटर को हमें अल्जाइमर डिजीज में बढ़ाना है, ठीक है, कोलिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर को बढ़ाना है। वही अगर हम बात करें एंटी पार्किंसन में, वहां पे हमें कोलिनर्जिक सिस्टम को कम करना था, एसिटाइल कोलिन को कम करना था, और यहाँ पे अल्जाइमर में हमें उसे बढ़ाना है। ठीक है, एंड इंक्रीजेस अवेबिलिटी ऑफ एसिटाइल कोलिन इन साइनेप्टिक क्लेफ्ट। चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन अल्जाइमर डिजीज विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूरोट्रांसमीटर इन सेरिब्रल कॉर्टेक्स आर डिक्रीज्ड। तो अभी मैंने बात किया था किसको बढ़ाना है, एसिटाइल कोलिन को, तो क्या वो कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर जो कम हो गया होगा, एसिटाइल कोलीन। एसिटाइल कोलीन कम होने की वजह से हम ऐसे ड्रग्स देते हैं जो कि एसिटाइल कोलीन के डिग्रेडेशन को कम करे, ताकि एसिटाइल कोलीन जो सिनेप्टिक क्लेफ्ट में है वो बढ़े। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, एसिटाइल कोलीन। नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स नॉट कॉम्पिटेटिवली एंटागोनाइजेस विद एनएमडीए रिसेप्टर एंड इज यूज्ड इन एल्जाइमर। तो क्या इसका आंसर क्या सही है, तो एल्जाइमर में कौन से ड्रग यूज होते हैं, दैट इज मेमेंटीन। मेमेंटीन जो है वो एल्जाइमर में यूज होते हैं। चलिए बात करते हैं कौन कौन से ड्रग्स यूज होती हैं और किसमें, एल्जाइमर डिजीज में, दैट इज टैकेरिन, डोनेपिजिल, रिवास्टिग्मिन एंड गैलेंटामीन। टैकेरिन क्या है, अब इन ड्रग्स के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। टैकेरिन क्या है, लॉन्ग एक्टिंग रिवर्सिबल एंटीकोलीन एस्टरेज है। ठीक है, अब एंटीकोलीन एस्टरेज है तो एंटीकोलीन एस्टरेज इनहिबिटर्स हैं, तो वो इसको इनहिबिट कर देंगे, तो जिसके वजह से एसिटाइल कोलीन का सिक्रीशन का कॉन्सेंट्रेशन सिनेप्टिक क्लेफ्ट में इंक्रीज हो जाएगा। इट इज आल्सो यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ माइल्ड टू मॉडरेट पेशेंट ऑफ अल्जाइमर डिजीज। इट इज ओरली एक्टिव एंड प्रोवाइड्स इंप्रूवमेंट इन मेमोरी, कॉग्निटिव एंड जनरली and generally well-being soon after initiation. अब बात करते हैं ये क्या है, ये facilitate करता है release of acetylcholine from cholinergic nerve system. अब क्या है, अब ये जो टैकरीन है वो significant hepatotoxicity cause करता है, इसलिए इसका use कम किया गया है। तो कंपैरेटिवली डोनेपेजिल जो है और रिवास्टिग्मिन और गैलेंटामीन जो है वो ज्यादा पेनिट्रेशन शो करता है इन सीएनएस। ठीक है, दे आर लेस टॉक्सिक एंड बेटर टॉलरेटेड इन कंपैरिजन टू टैकरीन। ये सारे जो तीनों ड्रग्स हैं, डोनेपेजिल, रिवास्टिग्मिन एंड गैलेंटामीन, ये ज्यादा टॉलरेंस शो करता है एंड लेस टॉक्सिक है एज कंपेयर टू टैकरीन। चलिए बात करते हैं, इट इज ऑल्सो पॉस्टुलेटेड एंड एनहेंसेस ग्लूटामेट ट्रांसमिशन वाया एनएमडीए रिसेप्टर्स। ठीक है, अब आगे बात करते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सीओएमटी इनहिबिटर्स। ये बहुत ही सिंपल, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन, और कई बार मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया, क्या वो एंटाकेपोन है, क्या वो एमेंटाडीन है, परगोलाइट है या इथेनॉल है। इथेनॉल तो ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, इन तीनों में सोचते हैं, इन तीनों में कौन सा, ऑप्शन ए एंटाकेपोन इज द करेक्ट आंसर।
थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग ऑल ऑफ दीज, एंड आपके लिए ये MCQs उम्मीद करते हैं बहुत ही हेल्पफुल होंगे और आपको ये एक्सप्लेनेशन भी अच्छी लगी होगी। इतनी पेशेंटली सुनने के लिए थैंक यू।